बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तबला फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? मैं हूँ ज़ीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि आपके रोज़े किस तरह के गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह 18वां रोज़ा हो चुका है और पाकिस्तान में अभी 17वां रोज़ा है। तो अब यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के सब के रोज़े आसानी से गुजर जाएँ। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ फ्रूट क्रीमी चाट, और ये फ्रूट क्रीमी चाट मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसानी से जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो इसे हम रोज़े में सर्व करेंगे रफ्तारी में। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है, एक मैंने खरबूजा मैंने काटा है आधे से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी भी डालूँगी तो ये माशाल्लाह बहुत सारी बन जाती है। तो मैंने यानी कि हर चीज़ में आधी मैंने काटी है। तो ये मैंने आधा से मैं आधे से भी आधा मैंने खरबूजा था, स्वीट मेलन तो मैंने ये काटा है क्यूब्स की शक्ल में, और ये मैंने आधा बड़ा सा ऐसा सेब था एप्पल तो मैंने ये काटा है आधा, ये काटा है एप्पल। ये मेरी नाशपाती है, ये भी मैंने आधी काटी है, बड़ी साइज़ की थी नाशपाती, ये काटी है। और ये कुछ अंगूर हैं, मैंने अंगूर लिए हैं। ये एक छोटे साइज़ का मेरा आम था मैंगो, जो ये मैंने पूरा का पूरा लिया है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। और ये अनार है, ये मैं सारा नहीं डालूँगी, ये मैं आधा ही डालूँगी, बाकी गार्निशिंग करूँगी। और कुछ मैंने ये मैं आलमंड्स लिए हैं, बादाम, ये मैंने काट के रखे हैं स्लाइस की शक्ल में। ये एक जाएगा बनाना, केला, ये डालूँगी मैं। अच्छा, इसमें जो अब क्रीमी चाट बनेगी तो क्रीमी चाट के लिए जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है, मिल्क पैक की मैंने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, और ये है कंडेंस मिल्क जिसे हम कोमेल भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे ये फ्रेश क्रीम, मेरे पास बीटर नहीं है, आप चाहें तो उसके बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं, मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं ज़ाहिर बात है मैं फिर ये चमचा यूज़ करूँगी। एक क्रीम में माशाल्लाह बहुत अच्छी चाट बन जाती है। अब मैं इसमें डालूंगी ये कंडेंस मिल्क, ये मेरे बड़े साइज का कंडेंस मिल्क है, मैं सारा नहीं डालूंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। इसको करेंगे हम हमने क्रीम को अपने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं ये मैंने आपको बताना भूल गई थी, इसमें डालूंगी मैं ये रोज़ एसेंस होता है, इसका मैं एक से दो करीब खाली ये ड्रॉप डालूंगी खुशबू के मारे। इसमें ऐड करूंगी ये एप्पल मैंने सारे ऐड कर दिए इसमें। अब इसमें जाएगी ये नाशपाती, इसको मैं भी बना के फ्रिज में रख दूंगी तो हमारे सारे तक ये माशाल्लाह
अच्छे से चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये इसमें डालूंगी मैं ये अंगूर जो मैंने धो के काट के रखे हैं। ये बड़े साइज़ के अंगूर होते हैं, इतने बड़े बड़े, ये मैं आपको बताती हूँ, बड़े बड़े साइज़ के अंगूर थे जिसमें से मैंने एक में से दो किए हैं। अब ये डालूंगी मैं मैंगो, ये जाएगा इसके अंदर स्वीट मेलन, अब मैं काटूंगी इसके अंदर ये बनाना। बनाना मैंने पहले से काट के नहीं रखा था, मैं पहले से काट के रखती तो ये काला हो जाता, तो मैं डालूंगी इसके अंदर ये केल बनाना। आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए मैं अफ्तारी बना रही हूँ। अफ्तारी की तो मैं वीडियो नहीं डाल सकती, लेकिन ये है कि मैं फ्री में चाट के मैंने आपको रेसिपी दी है। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा इसको। अच्छा, इसमें डालूंगी मैं ये अनार जो मैंने छील के रखे हुए हैं। इसको करूंगी मैं अच्छे से मिक्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें भी मैं डालूंगी ये थोड़े से आलमंड्स और बाकी को मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। इतनी देखा आपने कितनी झटपट बन गई। इसमें आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, इसमें आप चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं, घुली मिली खजूर। आप कोई सा भी आप फ्रूट जो होता है आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हम साइडों में से करेंगे साफ। अब ये जो अनार थे हमारे बाकी के, हम इसको करेंगे ऊपर से गार्निशिंग। देखा आपने कितनी झटपट और कितनी मजे की ये रेसिपी बनी है। मैं खुद तारीफ नहीं कर रही, आप लोग बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, सही है। अच्छा, अब कुछ चीज़ मेरे पास आलमंड्स बचे थे, इसको मैं करूँगी ऊपर से इसकी गार्निशिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने मज़े की, कितनी अच्छी और कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी बनाई है, फ्रूट क्रीमी चाट। ये इसी ऐसे ही बनेगी, इसमें कोई को और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें आप फ्रूट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप अपने डाल सकते हैं, कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो मुझे पसंद थे वो मैंने अपने मुताबिक डाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं इसे अफ्तारी के टाइम में इसको सर्व करूँगी। आप भी बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, उसको प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसिल हो जाए। तो इसके साथ ही मैं अब मिलूँगी नेक्स्ट डे एक अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं अपनी दुआ में आप लोगों को याद रखूँगी। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर वबा से बचाए रखे। और आपके चैनल को जिन जिन लोगों ने चैनल बनाए हैं और जिन्होंने नहीं बनाए हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे और आगे तक उन्हें कामयाब करता चला जाए। तो आप लोग भी मेरे लिए इसी तरह की दुआ कीजिएगा प्लीज़, और मुझे सब्सक्राइब करना मुझे मत भूलिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी,
क्योंकि अभी काम मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है और करने वाली भी मैं अकेली ही हूँ, तो काम तो करना तो खैर मुझे ही है। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों से बड़ों की इज्जत कीजिएगा, छोटे से प्यार से मोहब्बत से पेश आइएगा। अल्लाह हाफिज़।